लोगो अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जलजला एक हादसा अजीम है। ऐ मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रही होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बास कबल अज पीरी मर जाते हैं और बास बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मेह बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि कयामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा, और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतश सोजा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफर की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।